हेलो एवरीवन, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ आपके सामने एक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताने, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगेगी तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। तो आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है यूरिन इन्फेक्शन की। ये दो रीजंस हो सकते हैं कि सफाई की कमी से भी, और द सेकेंड थिंग इज फ्लूड की मात्रा कम हो जाती है ब्लैडर में, तो इसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताने वाली हूँ। आसानी से सभी के घर पे मिल जाती हैं जो चीज़ें मैं बताऊंगी, तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। एक्चुअली वो होता क्या है ना कि अगर हम होम रेमेडीज किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं तो पहली बात तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती। द सेकेंड थिंग इज कि हम दवाएं खाने से बचते हैं। मेडिसिन बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान भी करती है, हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताती हूँ जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। आपके जानने वालों में, आपके नोइंग वंस में किसी को भी प्रॉब्लम हुई इन्फेक्शन की, नहीं भी वो बहुत अच्छी बात है, बट हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम इन्हें यूज़ कर सकें। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ रेमेडीज यूरिन इन्फेक्शन के लिए जो आप यूज़ करोगे तो आपको उससे छुटकारा दिलाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि नारियल का पानी और पालक का जूस दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला लेना है और इसका पीना है। इसको जितने दिन तक प्रॉब्लम है आपको उतने दिन तक आप पी सकते हो, एक दो दिन एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, तो फिर आपको इतनी जल्दी वापस से प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये चीज़ें आप कंटिन्यू कर लेते हो 15 दिन, तो फिर आपको जल्दी प्रॉब्लम होती नहीं एक्चुअली। तो द सेकेंड थिंग इज़ कि मेथी दाना को रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठ के ये दाने आप खा लीजिए। तो ऐसा कई दिन तक आपको लगातार करने से यूरिन इन्फेक्शन में की प्रॉब्लम मदद मिलती है ख़त्म होने में। द थर्ड थिंग इज सोट। सोट को क्या करना है, अजवाइन और मेथी के साथ मिक्स करके चूर्ण बना लेना है, चूर्ण इसका पाउडर। फिर इस पाउडर को सुबह शाम एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। द थर्ड थिंग इज नींबू पानी। सुबह शाम एक एक ग्लास नींबू पानी पीजिए। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है बहुत अच्छी मात्रा में, तो यूरिन इन्फेक्शन के प्रॉब्लम को कम करने में काफ़ी हद तक मददगार होता है। करौंदा का नाम सुना होगा आपने। करौंदा में एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं हम प्रोथाइमोथायमिन। ये भी बहुत हेल्पफुल होता है इन्फेक्शन को कम करने के लिए। द फिफ्थ थिंग इज जामुन के बीज। जामुन का जो बीज होता है इसको पीस के पाउडर बना लें, आप इसे खा के पानी पीजिए, तो ये भी यूरिन इन्फेक्शन को कम करने में बहुत मददगार होता है। द अदर थिंग इज कि आपको क्या करना है, इसके लिए गुड़ और तिल, थोड़ा सा तिल ले लीजिए और एक टुकड़ा छोटा सा गुड़ का, इन्हें आप मिला के साथ में खाइए। ये भी बहुत हद तक हेल्पफुल होती है यूरिन इन्फेक्शन को कम करने के लिए, अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए। दही भी बहुत अच्छा होता है, दही में जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज पाए जाते हैं वो काफ़ी हद तक इन्फेक्शन को कम करते हैं। तो रोज खाने में सुबह शाम दही एक कटोरी ज़रूर खाइए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ रेमिडीज हैं जिन्हें आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको यूरिन इन्फेक्शन के प्रॉब्लम से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, और जल्दी होती भी नहीं है दोबारा। और ये चीज़ें घर में हर किसी के आसानी से उपलब्ध रहती हैं, तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं और आप दवा खाने से भी बच सकते हैं। फिट रहिए, हेल्दी रहिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।